ताजमहल में एक फोटो, मैंने एक पोस्टर, एक प्ले कार्ड लेके, एक कार्डबोर्ड लेके मैंने लिखा कि बिहाइंड द ब्यूटी ऑफ ताजमहल इज प्लास्टिक पॉल्यूशन। छोटा छोटा काम हम करते हैं उससे एक बिग डिफरेंस मेक होता है। सो ऑल आवर लिटिल थिंग्स कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। मैंने ऐसा लिखा क्योंकि मुझे एक मैसेज देना था वर्ल्ड को कि इतने आइकॉनिक मॉन्यूमेंट, इतने प्रेशियस मॉन्यूमेंट को हम गार्बेज बना रहे हैं, हम एक डस्टबिन का डिब्बा बना रहे हैं। ऐसे ही एक प्लास्टिक बॉटल है, एक से होकर अगर मैंने एक थ्रो कर लिया तो क्या होगा, लेकिन अगर हम ऐसे करते ही जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे फ्लड्स, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, वो पेड़ कटाने की वजह से भी हो रहा है सामने। जैसे मैं आगरा में मैं जब गई थी तो मैंने सोचा कि मैं ताजमहल जाऊंगी, और मैं जब ताजमहल पहुंची तो मैंने कचरा और कूड़ा ही देखा वहाँ पे, प्लास्टिक जैसे पानी में, फाउंटेन में, जैसे पौधे के ऊपर में। ये हमारी वजह से हो रहा है क्योंकि हम बहुत सारे पेड़ काटते हैं, हम डैम्स बनाते हैं, हम कोल पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स हम यूज़ करते हैं, हम बायोडिग्रेडेबल चीज़ें नहीं यूज़ करते हैं, हम इको फ्रेंडली चीज़ें हम नहीं यूज़ करते हैं। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके ये एटीट्यूड चेंज कर ले और अच्छे बिहेवियर, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाए आप सब, जिससे ये सब ना हो। नमस्कार डॉक्टर, लिसा न्यूज सकते स्वागत जानसो। मैं पुलक महंत, एगी विशेष जुवती, जुवतीगर नाम लिसिप्रिया। हूँ लिसिप्रिया कौते आपलोर कौनगी जुवती क्यों आम आज साक्षात्कार लैसो अपना चीनी नपाय नजाने बहुलोक आम कि आमार उत्तर पूर्वांचल एगी जियारी जीगी जुवती आसल खूब कम बयस एगी छी जीखी कार्य कर असाधारण कारण जी विषय ऊपर लगे सकोबाँ मुखरपा शुनीम प्रथम चीस वेलकाम टू गुवाहाटी। ईशान न्यूज में आपका स्वागत है। आपका पहला इंटरव्यू है ईशान न्यूज के साथ। हाँ, ये मेरा पहला न्यूज है। मैं थोड़ा आपके बारे में जानना चाहूँगा, आप कहाँ से हो, अभी कौन सा क्लास में हो, क्या बारे? तो नमस्ते सबको, मेरा नाम लिसिप्रिया है और मैं 10 साल की एक इंडियन क्लाइमेट एक्टिविस्ट और एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, और मैं आई एम फाइटिंग टू सेव आवर प्लैनेट एंड आवर फ्यूचर। ओके, बहुत ही कम उम्र से तुम इसके साथ जुड़े हुए हो। हाँ। और बहुत सारा काम भी किया है तुमने, सिर्फ नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी सेमिनार अटेंड किया है, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। कब से स्टार्ट किया पहले? तो मैं जब 6 क्यूर्स की थी तो फर्स्ट टाइम मुझे एक प्रोग्राम एंड एक इवेंट, सो क्या मैं इंग्लिश में बोल सकती हूँ? ओके, सो व्हेन आई वाज जस्ट अराउंड 6 इयर्स ओल्ड आई गॉट अ चांस टू अटेंड वन यूनाइटेड नेशन डिजास्टर कॉन्फ्रेंस इन मंगोलिया, एंड देन इट वाज अ लाइफ चेंजिंग मूवमेंट इवेंट फॉर मी। सो आई मेट मेनी वर्ल्ड लीडर्स, great scientists, experts and policy makers there. So it was really a big life change event for me. So after returning back from Mongolia, I've started my own organization called the Child Movement to call our world leaders to take immediate climate action as soon as possible. So the activities that we do in my organization like we plan massive tree plantation, and we do many cleanliness drives, and we also give awareness to the people. We also do many climate strikes, climate protests, and I have three main demands to our leaders and the government to change the system. So first is to pass the climate change law. If they pass this climate change law, then it would help us to fight the climate change from the grassroots. And also, it would help us to control the carbon emissions and also the greenhouse gases.
Second is to include climate education compulsory in our school education curriculum. So if our leaders, if our government include climate education compulsory in our school education curriculum, then it would help us to fight the climate change, climate crisis from the grassroots, and it will also help to teach our world leaders by their own children and grandchildren, because they can't believe in science and climate change is real. मैं एक बात और जानना चाहूँगा, इतने कम उम्र में ये सब बातें पहले आया कैसे कि क्लाइमेट चेंज भी एक होता है, इससे प्रॉब्लम होगा लोगों को इन फ्यूचर, ये सब बातें पहले आया कैसे दिमाग में? तो जब जैसे मैं जब छोटी थी तो मैंने बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज फेस किए, क्योंकि इंडिया बहुत वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज से, क्लाइमेट क्राइसिस से. तो मैं जब छोटी उम्र की थी, जब मैं 5 साल की थी, तो मैं 5 साल के समय की बात करूँगी. जब मैं 5 साल की थी तो एक अर्थक्वेक हुआ नेपाल में, वो बहुत बड़ा अर्थक्वेक था और बहुत सारे लोगों की जान गई, बहुत सारे लोगों बहुत जैसे उनको चोट लगी, उनके बहुत सारे शरीर में खून निकले, बहुत सारे बच्चे भी मरे, बच्चे ने बहुत सारे बच्चे उनके माता पिता को खो दिए, उनके घर पूरा टूट गया उस अर्थक्वेक में. मुझे बहुत बुरा लगा. तो मैं ऑल द वे फ्रॉम इंडिया मैं रोड से गई थी नेपाल तक, और मैंने बहुत सारे जैसे मैंने बहुत सारे थिंग्स उनको दिए, मेरे साइड से थोड़े सा हेल्प कर मैंने किया था उनको. जब मैं 5 साल की थी तो मैंने उनको कुछ मेडिसिंस दिए, उनको कुछ क्लोथ्स दिए, उनको कुछ जैसे ब्लैंकेट बेडशीट जैसे कुछ दिए, मैंने उनको खाना के लिए भी दिए और बहुत सारे, तो मैं कुछ हेल्प कर पाई. तो मैंने जब वहाँ पे गई तो मुझे मेरे माइंड में कुछ सोचना आया कि ये सब क्या है, ये सब कैसे हो रहा है. तब मैंने अपने मम्मी पापा से पूछा, मैंने लोगों से पूछा, और लोगों ने बोला कि ये सब क्लाइमेट चेंज से हो रहा है, ये हमारी वजह से हो रहा है, क्योंकि हम बहुत सारे पेड़ काटते हैं, हम डैम्स बनाते हैं, हम कोल पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स हम यूज़ करते हैं, हम बायोडिग्रेडेबल चीज़ें नहीं यूज़ करते हैं, हम इको फ्रेंडली चीज़ें हम नहीं यूज़ करते हैं. तो ये सब बहुत बुरा हुआ, तो लोगों ने मुझे ऐसे बोला. तो ऐसे ही मुझे बहुत फीलिंग आई कि मुझे कुछ करना चाहिए, मेरे दिमाग में ऐसा हुआ. तो मैं जब तो मैं मेरे माइंड में जो कुछ आता है तो मैं वही करती हूँ. तो अभी मतलब ये जो काम अभी तुम कर रहे हो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी जितना भी सेमिनार है वो अटेंड किया, अभी तक कहाँ कहाँ गए हो इस इशू को लेकर? तो मैं मंगोलिया गई हूँ, मैं मैड्रिड स्पेन COP25 अटेंड करने के लिए मैं वहाँ पे भी गई हूँ, और मैं बहुत सारे 32 अभी तक 32 कंट्रीज में. अभी मैं ईस्ट मोर थोड़े वक्त के पहले ही हुआ था, मैं गई थी वहाँ पे एक प्रेसिडेंट इनोग्रेशन, एक टेकिंग सेरेमनी के लिए मैं वहाँ पे गई थी. और जैसे मैं मालदीव्स में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स, इवेंट्स और भी बहुत सारे मैं गई हूँ, मैं अभी सारे नहीं बता सकती हूँ. तो मुझे ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड मिला, और मुझे बहुत सारे जैसे चिल्ड्रन पीस प्राइस लॉरेट के अवार्ड भी मिले, और जैसे पानी का एक अवार्ड भी मिला. और मुझे अभी तक इतने याद नहीं है, तो अभी तक इतना ही बोलती हूँ. और भी बहुत सारे मिले हैं लोगों, क्योंकि वो मुझे जैसे अच्छा, जैसे मैं अच्छे काम कर रही हूँ लोगों के भलाई के लिए, तो वो मुझे जैसे प्यार दे के मुझे ऐसे ही देते रहते हैं. और एक क्वेश्चन, ताजमहल गए थे तुम घूमने के लिए, वहाँ पे एक फोटो अपलोड किया था बहुत वायरल होता है, उसको लेके बहुत विवाद भी हुए थे, उसके बारे में थोड़ा सा? बीमार के बारे में तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन मैं ताजमहल के बारे में बताऊंगी. तो मैं जब जैसे मैं आगरा में मैं जब गई थी तो मैंने सोचा कि मैं ताजमहल जाऊंगी, और मैं जब ताजमहल पहुंची तो मैंने कचरा और कूड़ा ही देखा वहाँ पे, प्लास्टिक जैसे पानी में, फाउंटेन में, जैसे पौधे के ऊपर में, मैंने ऐसा देखा. और जब मैं पीछे बैक साइड में गई थी ताजमहल की तो कूड़ा ही कूड़ा था, और मैं बहुत एक रिवर के पास में भी बहुत सारे कचड़े कूड़े, तो मैं उस जगह पे
हाँ यमुना रिवर के उसमें बहुत सारे कूड़े थे, तो उसमें मैं गई थी और मैं ताजमहल में एक फ़ोटो, मैंने एक पोस्टर, एक प्ले कार्ड लेके, एक कार्डबोर्ड लेके मैंने लिखा कि बिहाइंड द ब्यूटी ऑफ ताजमहल इज़ प्लास्टिक पल्यूशन। और मैंने ऐसा लिखा क्योंकि मुझे एक मैसेज देना था वर्ल्ड को कि इतने आइकॉनिक मॉन्यूमेंट, इतने प्रेशियस मॉन्यूमेंट को हम गार्बेज बना रहे हैं, हम एक डस्टबिन का डिब्बा बना रहे हैं। और मेरी इस वन ट्वीट की वजह से अब लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं जिससे ये सब गार्बेज आप वहाँ पे देख सकते हो, वो अब उठा रहे हैं, अब उसकी साफ़ सफाई हो रही है। तो मैं बहुत खुश करती हूँ और मुझे हर जैसे हर आइकॉनिक मॉन्यूमेंट में, हर जैसे एवरी वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड और सब मॉन्यूमेंट में ना ऐसे कचरा नहीं करना, तो मैंने ऐसा मैसेज दिया लोगों को। अभी तक जितना कर रहे हो उम्र से ज़्यादा ही कर रहे हो, लेकिन आगे का प्लानिंग क्या है, मतलब और क्या करने का? तो मेरा आगे का प्लानिंग ऐसा ही करती रहूँगी, मैं और भी ट्रीज़ प्लांट करूँगी। आपको पता है क्यों? क्योंकि ट्रीज़ आर द अल्टीमेट सॉल्यूशन टू फाइट द क्लाइमेट चेंज। और अगर हम पेड़ उगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हमें ऑक्सीजन भी मिलेगी, बस ऑक्सीजन ही नहीं हमें फूड मिलेगा, फूड ही नहीं जैसे ये सब पोल्यूशन है उसको भी वो सोक कर लेगी, जैसे फ्लड्स लैंडस्लाइड हो रहे हैं वो पेड़ कटाने की वजह से भी हो रहा है आसाम में, अब बस आसाम में ही नहीं दूसरे, हाँ धरती में बहुत सारे जगह पे। क्योंकि जब मैं फ्लड के बारे में बोलूँगी, अगर हम पेड़ को हम काटेंगे तो उनके रूट्स भी निकलेंगे ना, और जैसे उनके रूट्स सॉइल पार्टिकल्स को वो जैसे पकड़ते हैं और सॉइल पार्टिकल्स सॉइल इरोशन नहीं होते, तो अगर वो सॉइल पार्टिकल्स को पकड़ेंगे नहीं और तो पानी जब आएगा बहता हुआ तो बहुत हाँ लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, फ्लड्स हो रहे हैं, तो ये सब बहुत बुरा है। अभी जैसे हिमालयन ग्लेशियर्स भी बहुत मेल्ट हो रहे हैं क्योंकि बहुत ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और सी लेवल राइज कर रहे हैं और बहुत सारे फ्लड्स हो रहे हैं, तो ये बहुत बुरा है। तो हमें और प्लांट ट्रीज को प्लांट करना चाहिए और और हमें जैसे हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए, हमें बाइसिकल यूज़ करना चाहिए, हमें पैड से हमें जाना चाहिए जब अगर कोई नियर बाय प्लेसेस हमें जाना है, या हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं अगर कोई फार डिस्टेंसेस हम जा सकते हैं, जैसे बसेस ट्रेन मेट्रोस हम वैसे ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हम यूज़ कर सकते हैं। और हमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक भी नहीं यूज़ करना चाहिए, हमारे घर पर हो या कई जगह पर हो, हमें ना जैसे गार्बेज प्लास्टिक को हमें थ्रो नहीं करना चाहिए, जैसे रिवर्स में हो, लेक्स में हो, पॉन्ड्स में हो, या कोई भी स्ट्रीट एरिया हो, रोड सड़क में हो, या कोई भी लैंडफिल एरिया में हो, नहीं फेंकना चाहिए। एक्चुअली मैं ये सवाल पूछने ही वाला था प्लास्टिक के बारे में, क्योंकि अभी जो बारिश हुआ था इस बार गुवाहाटी पे फ्लड हुआ था, ठीक है, गुवाहाटी पे रोड पे बोट चलाने का मतलब मौका मिला है लोगों को, तो उसका मेन रीज़न ये भी है लैंडस्लाइड हुआ था, और दूसरा ये भी है कि वो जो ड्रेन्स है, ड्रेन्स में सबसे ज़्यादा अगर कुछ निकला है तो उसमें प्लास्टिक का बोतल, वाइन का बोतल ये सब भी निकला है, तो प्लास्टिक और ये बोतल्स उनको लेके क्या देखो, एक जैसे एक प्लास्टिक बोतल है वहाँ पे हो या वहाँ पे हम पी के हम थ्रो कर लेते हैं, लेकिन ऐसे ही नॉर्मल प्लास्टिक बॉटल को अगर हम थ्रो करते रहेंगे टूरिस्ट हो या हम हो, कोई भी जगह पे हो, हम उसको अगर एक बार एक कुछ नहीं किया तो बस एक ऐसे ही एक प्लास्टिक बॉटल है, एक से होकर अगर मैंने एक थ्रो कर लिया तो क्या होगा, लेकिन अगर हम ऐसे करते ही जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ऐसे ही मिलता रहेगा, है ना, मिलते रहेंगे। आपने बोला था ना जैसे बॉटल्स और ये सब प्लास्टिक मिलते रहेंगे, अगर हम ऐसे ही सोचते रहे तो हमारी सोच को बदलना पड़ेगा, अभी अगर हम हमें ह्यूमन को चेंज करना पड़ेगा, अगर ह्यूमन चेंज करेंगे तो ये सब क्लाइमेट चेंज नहीं होगा, ग्लोबल वार्मिंग इश्यू नहीं होगा। तो इसलिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके ये एटीट्यूड चेंज कर ले और अच्छे बिहेवियर, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाए आप सब, जिससे ये सब ना हो। तो मैं आपको बस एक दो छोटा मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारा जो छोटा छोटा काम हम करते हैं उससे एक बिग डिफरेंस मेक होता है, सो ऑल आवर लिटिल थिंग्स कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस।
I am a girl child who strongly believes that all the children, all the youth, all the people of the world can lead the change. বহুত ধন্যবাদ প্রিয় দর্শকসকল এগৰাকী আছিল লিচিপ্রিয়া এগৰাকী খুবই সাধারণ কিন্তু অসাধারণ তেও কারণ 10 বছর বয়স হৈছে আৰু 10 বছর বয়সতে যিখিনি কাম কৰিছে আপুনি মই হয়তো নভবাৰ বাবে যি ধৰণৰ সমস্যাত আমি ভুগি আছো সেই সমূহক সুধৰণি কৰা তেওঁ প্ৰচেষ্টা তেওঁৰ এই প্ৰচেষ্টাক আমিও আদৰণি জনাইছো আৰু শুভকামনা জনাইছো তেওঁ যাতে আগুৱাই যায় ভিডিঅ জার্নালিষ্ট সন্তোষৰ হৈতে গুৱাহাটীৰ পৰা পুলক মহন্ত ঈশান নিউজ